नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सहकार व संस्कार भारतीय संस्कृति का धरोहर है। बलिया रतला स्थानीय क्रय विक्रय समिति के प्रांगण में सहकार भारतीय संस्था का स्थापना दिवस रविवार को एक गोष्ठी के रूप में मनाया गया। देर शाम तक चले इस गोष्ठी का शुभारंभ मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक राजीव नयन की द्वारा बतौर मुख्य अतिथि किया गया। इस मौके पर उन्होंने संबोधन में कहा कि संस्कार और सहकार भारतीय संस्कृति की मूल धरोहर है, जिसको अपनाकर ही सुखी भारत का सपना साकार किया जा सकता है। संस्कार जाए, समाज संस्कारित हो। आज समाज में संस्कार का अभाव दिख रहा है, जैसा कि आप सब पत्रकार बंधु हैं, समाचार पत्रों में हम पढ़ रहे हैं कि आज क्या घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं। चार बेटे की माँ दूसरे के साथ फरार, इस तरह का जो खबर आ रहा है, निश्चित रूप से उसमें संस्कार का अभाव है। हम सब आज समाज में संस्कार देने का कार्य करते हैं, समाज संस्कारित हो। पिता पुत्र, माँ बेटी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं, तभी जाकर के परिवार संस्कारित होगा, तभी जाकर के समाज संस्कारित होगा। इसलिए हम सब लोग समाज को संस्कारित रखने का एक संकल्प लेकर के आज के इस उत्सव के दौरान जाएंगे। कैसे क्या कार्य किया जाए कि समाज सर? हम अपने परिवार से संस्कार शुरू करें। हम अपने परिवार में अपने बच्चों को जो हमारी पुरानी परंपरा है उसको गुड मॉर्निंग बोलना न सिखाएं, उसको सिखाएं कि बेटा पैर छुआ जाता है, हमारी संस्कृति प्रात समय उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुनावई माता की परंपरा है, वह हमारी पद्धति शुरू हो। पिता पुत्र साथ में बैठकर भोजन शुरू करें, भोजन करना शुरू करें। परिवार में संध्या आरती हो, भगवान राम का चित्र अपने घरों में लगे, भगवान राम के अनुसार हम अपने जीवन का अनुकरण करें। राम में रामत्व तो तब आया जब वो सबरी का जूठा बेर खा, इसलिए अपने परिवार में संदेश दें कि अपने परिवार में समता ममता और समरसता लाने का प्रयत्न करें, निश्चित रूप से यह समाज समरस हो जाएगा। हम सब ऐसा संदेश आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज में देना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने से शुरू करे और अपने परिवार को संस्कारित करने के लिए अपने बच्चों में संस्कार भरे, अपने बच्चों को महापुरुषों की जीवनी पढ़ाए, विवेकानंद के जीवन के बारे में बताए, श्री रामचंद्र के जीवन के बारे में बताए, और अपने घर में प्रातः काल पूजन, सायं काल संध्या, गौ सेवा हो, साधुओं की सेवा हो, संतों की सेवा हो, यह सब होगा तो निश्चित रूप से समाज संस्कारित होगा, और संस्कारित समाज के कारण से यह देश पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। और हमारा ध्येय है परम वैभव ने तुम्हे तत्व राष्ट्र में, यह राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, इस ध्येय को लेकर के हम इस कार्य को कर रहे हैं। सहकारी संस्थान इस समय जब वर्तमान में 10-15 साल के अंतराल में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, इस दिशा में संगठन क्या करेगा? अब देखिए, कारण यह है कि कार्यकर्ता हमारे अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे थे, अभी हमारी दृष्टि इस पर नहीं जा रही थी, लेकिन अब हमको लग रहा है कि इसकी विशेष आवश्यकता। अब तक हम अन्य कार्यों में लिप्त थे, हमको लगा कि अभी संस्कारित कुछ गांव में संस्कार बचा हुआ है, लेकिन अभी सर्वे के अनुसार लगा कि नहीं, सबसे अधिक आवश्यकता हमको इसकी है। इसलिए हम आज स्थापना दिवस से संकल्प लेते हैं कि निरंतर गांव-गांव जाकर के सहकार भारती की जो परिकल्पना है समाज में बताएंगे और इस काम को प्रधानता में रखकर किस काम को करेंगे। पेशा बलिया से अखिलेश सैनी संगनवल जी की खास रिपोर्ट।